तो गाइस देख सकते हैं आप पनीर की सब्जी कैसे बनाएं। प्याज काट गया है और तेल यहाँ पे कितना पौली तेल है? छह हाँ छह पौली तेल। पनीर कट रहा है, सो गाइस देख सकते हैं पनीर कट चुका है। छोटे छोटे पीसेस में पनीर को काटा गया है और टमाटर की बारी है, टमाटर को काट ले बारीक। सो गाइस मटर भी आ चुका है, आप देख सकते हैं टमाटर आ गया है, मटर आ गया है, कटा हुआ प्याज है। तो जैसा कि देख सकते हैं थोड़ा सा लाल हो गया है पनीर, और अब उसको कढ़ाई से निकाल देंगे हम पनीर को। तेल को अच्छे से निखार लीजिए आप कढ़ाई में। तो गाइस अब आप देख सकते हैं वैसे लहसुन काटा जा रहा है, लहसुन भी जरूरी है, लहसुन को काट कर छीलना बहुत जरूरी है। सो गाइस अब देखिए पचफोरन का डिब्बा आ चुका है और ये तेज पत्ता और जीरा डाल चुका है मम्मी ने, और ये प्याज डाला जा रहा है। प्याज को दोस्तों अच्छी तरह चला लें क्योंकि तेल पूरे प्याज में लगना जरूरी है, तभी वो हल्का लाल हो सकेगा। और पूरा प्याज कितनी बार हो जाएगा हमने थोड़ा सा पीसना है। हाँ पीसना है, पीस के भी डलेगा। अच्छा थोड़ा सा प्याज पीस के भी डलेगा गाइस, तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा प्याज मम्मी ने यहाँ बता दिया है वो पीस के डालेंगे। तो गाइस नमक डाल दिया गया है, नमक दोस्तों आप अपने स्वादानुसार डाल सकते हैं, और हल्दी थोड़ी सी डाल दीजिए। ये देखिए थोड़ी सी हल्दी डाल दिया गया है यहाँ पे, नमक और हल्दी थोड़ा सा डाल के चलाना बहुत जरूरी है। और आप देख सकते हैं चलाने के लिए आपको बराबर चारों तरफ चलाना बहुत जरूरी है। अब इसको आप तो कितना देर तक ढकना होगा हमें? 5 मिनट। 5 मिनट तक इसको ढकना पड़ेगा। ये क्या चीज है? अदरक लहसुन की पेस्ट बनाने जा रहे हैं। सो गाइस यहाँ देख सकते हैं अदरक छील के उसका अदरक और लहसुन का पेस्ट बनेगा। और गाइस देखिए प्याज काफी गोल्डन कलर में हो चुका है, और इसको बीच बीच में चलाते रहना बहुत जरूरी है जिससे कि आपका तेल प्याज को जला न पाए। तो थोड़ा सा चलाने पर ढक सकते हैं इसको। मसाला तो मिक्सी का डब्बा आ गया, इसमें क्या क्या डालिएगा हमने? लहसुन अदरक गरम मसाला और ये सूखा मिर्चा लाल। सो गाइस ये जीरा डाल रही है हमने, और ये थोड़ा सा जो है इन्होंने काली मिर्च का टुकड़ा डाला है। कितना दाना? अंदाज से 10 से 15 दाना आप डाल सकते हैं। और ये क्या है? दालचीनी। अच्छा ये दालचीनी डाला जा रहा है। दालचीनी का कितना रहेगा मात्रा? थोड़ी सी दालचीनी आप समझ सकते हैं अपने अंदाज के अनुसार दालचीनी डालिए। और ये क्या है? छोटी इलायची डाला जा रहा है इसमें। 1 से 2 इलायची। अच्छा लौंग भी डलेगा दोस्तों, लौंग और इलायची दोनों डलेगा बस। और इसके बाद तो गाइस इसके बाद आप फिर से एक बार इसको चला लीजिए दोस्तों। प्याज को चलाना बहुत जरूरी है क्योंकि इससे आपका तेल बराबर रहेगा, और इसको ढक दीजिए। और गाइस यहाँ प्याज मटर टमाटर इंतजार कर रहे हैं कि कब इनकी बारी आएगी। घबराओ मत, तुम लोगों की भी बारी जल्दी आएगी। सो गाइस ये देखिए धनिया पाउडर इसमें डाल दिया गया है, मिर्ची मिर्ची दिखाते हैं इधर कितना है।
देखिए मिर्ची इतना ही डालिएगा, अपने हिसाब से आप लोग डाल सकते हैं मिर्ची, कोई जरूरी नहीं है। और ये क्या है? गरम मसाला। ये दोस्तों गरम मसाला डाला गया है। अब इसको अच्छी तरीके से चला लें, क्योंकि तो सारे मसाले अच्छी तरीके से मिलने बहुत जरूरी है। तो गाइस देख सकते हैं मसाला काफी ज्यादा भून के कलर अपना बदल लिया है, और इसमें थोड़ा सा पानी भी डालेंगे। पानी डालने से मसाला अच्छी तरीके से मिल जाए, और इसको फिर से चला देंगे। ये देखिए अच्छी तरीके से चल गया है, और ये एक पूरा एक मसाला। अब इसको ढक दिए हैं। तो गाइस इसमें पानी और प्याज मिक्सी में डाल दीजिए और इसको अच्छे से ढक के चला दीजिए। तो गाइस अब जा रहा हूँ इसको चलाने, और अच्छी तरीके से पीसना जरूरी है। तो गाइस ये पीस के लुक भी बन गया है। अब इसको हम कढ़ाई में डालेंगे और अच्छी तरीके से चला लेंगे। तो गाइस अब इसमें डाला जा रहा है देगी मिर्च, जो कि स्वाद को बढ़ा देता है और कलर के लिए। और यहाँ पे देखिए टमाटर डाला जा रहा है, पूरा टमाटर, पूरा एक टमाटर काटा गया है। और अब इसको अच्छी तरीके से चला लें। चलाने के बाद दोस्तों इसको ढकना जरूरी है, ये देखिए, जिससे कि टमाटर गल जाएगा। तो गाइस अब हरा मटर डाला जा रहा है, डालने के बाद इसको भी चला लीजिए अच्छे तरीके से। तो गाइस कटोरी में पानी लेकर इसको डालिए। मटर भून गया, अब पानी डालने की बारी आ गई। इसको कुकर में भर देंगे, एक सीटी लगा के बस। तो गाइस अब इसको कुकर में डाला जाएगा और एक सीटी लगेगा, एक ही सीटी में बस। कितना देर में तुम्हारा हाथ में डाल जाएगा कपड़ा? तो कपड़ा ऊपर चढ़ गया है, गैस जल चुका है। अब एक सीटी ना हमें, एक सीटी के बाद इसको उतार लेना है, बंद कर दीजिए। सो गाइस पनीर देखिए यहाँ रखा हुआ है, धनिया भी कट गया है, और अब पनीर को हम भी डालिएगा इसमें। सीटी बज गए, सीटी एक सीटी बजने के बाद, खोलने के बाद ढक्कन खुल गया और ये पनीर इसमें डाल दिए है। इसको चला लीजिए बढ़िया से। बगल में जो देख रहे हैं आप गाइस, वो आटा है, आटा सन चुका है रोटी के लिए। इसको इसमें डाल दीजिए। तो गाइस अब लास्ट इसमें अब धनिया डाला जाएगा। तो आप धनिया को पूरी तरह चारों तरफ चला लें, और आपका तैयार हो गया है ये मटर पनीर का सब्जी। गाइस कैसा लगा मटर पनीर का सब्जी का प्रोसेस, बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।